प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला सीतापुर के थाना मिश्रिक इलाके के कलखिला गांव का है, जहां दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने विवाहिता को जिंदा जला दिया, जिससे विवाहिता की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद ससुराल वाले मौके से फरार हो गए। वहीं मृतका के परिजनों का आरोप है कि विवाहिता को दहेज के लिए आए दिन प्रताड़ित किया जाता था और दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को आग के हवाले कर दिया। ये थाना मिश्रिक क्षेत्र की घटना है और ग्राम तरखिला पड़ता है। वहाँ पर आज प्रातः जो है एक विवाहिता को जला करके मार दिया गया है, मिट्टी का तेल डाल करके, और सभी परिजन जो है मौके से फरार हैं। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है, बॉडी को कब्जे में लेकर के उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और इसमें अभियोग पंजीकृत करके शीघ्र जो है जो अभियुक्त इसमें है उनकी गिरफ्तारी करके उसकी कार्रवाई की जा रही है। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सीतापुर से रिजवान की रिपोर्ट।